हेलो एवरीवन, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे कोचेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ISF एंड LBH कोच में क्या भिन्नता है, फिर हम लोग जानेंगे इंडिया के कुछ कोच बनाने वाली कंपनियों के बारे में, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे इन कोचेस के पहिए बनाने वाले कंपनियों के बारे में, कुछ व्हील प्लांट्स के बारे में। सो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक ISF एंड एक LBH कोच में क्या डिफरेंस होता है। सो चलिए देखें फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे में दो तरीके के जो कोचेस हैं, हमारे लाल और नीले। जो हमारे लाल डिब्बे होते हैं वो हमेशा LBH कोच होंगे, एंड जो हमारे नीले डिब्बे हमेशा ISF कोच होंगे। जो हमारा ISF कोच है वो इंडियन रेलवे का सबसे पुराना कोच है, जिसको अभी तक कुछ ट्रेन में यूज किया जा रहा है, जिनको हम लो स्पीड पे चलाना चाहते हैं। एक ISF कोच हमेशा एक LBH कोच से ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील है, ये माइल्ड स्टील से ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि LBH कोच में माइल्ड स्टील का यूज होता है, तो LBH कोचेस हल्के होते हैं, एंड जो हमारा ISF कोचेस हैं वो भारी होते हैं। ISF कोचेस भारी होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा स्पीड पर लेके नहीं जा सकते। प्लस इनके अंदर जो सस्पेंशन सिस्टम है, स्प्रिंग सस्पेंशन, वो एक मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है कि जर्क ज़्यादा लगता है। सो इनके अंदर जो भी पैसेंजर बैठे रहेंगे, अगर उनको 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा पे लेके जाएंगे, सो सभी पैसेंजर को बहुत तेज़ी से जर्क लगेगा, एंड उनका एक्सीडेंट हो सकता है ट्रेन के अंदर। उनको चोट लग सकती है, उनकी कोई भी इंजरी हो सकती है। सो ISF कोच में 110 किलोमीटर मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की, बट जो हमारा LBH कोच है ये एक हल्का कोच है, एंड इसके अंदर हम लोग 180 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन को दौड़ा सकते हैं। कोई भी लोकोमोटिव यूज हो रहा हो, बट उसके साथ कोच का जो फंक्शन है, कोच का जो स्ट्रक्चर है, वो किसी भी ट्रेन को दौड़ाने के लिए जरूरी है। सो ISF कोचेस को ज़्यादा स्पीड पर नहीं दौड़ा सकते, इनका सस्पेंशन पुराना है, एंड इनके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी एयर ब्रेक है। अगर ज़्यादा स्पीड पर दौड़ा रहे हैं और अगर रोकने के समय आया और हमने एयर ब्रेक लगाया, सो जो ट्रेन है हमारी, क्या पता बहुत दूर जाके रुके जहाँ पर उसको नहीं रुकना चाहिए, सो उससे एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। इसीलिए एक ISF कोच को कभी भी हाई स्पीड पर नहीं दौड़ाया जा सकता। बट जो हमारा LBH कोच है, इसमें इन सभी फंक्शंस को मॉडिफाई कर दिया गया है, एंड जो हमारा LBH कोच है ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें हमारे स्प्रिंग सिस्टम को सुधारा गया है, एंड इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको भी बेहतर किया गया है, ताकि कभी भी जो हमारा लोको पायलट है उसको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े, सो डिस्क ब्रेक की मदद से वो तुरंत ट्रेन को रोक सकता है। बट ISF कोच में एयर ब्रेक होते हैं। कई बार आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब चेन पुलिंग होती है, सो चेन पुलिंग के बाद ट्रेन से बहुत सारी हवा निकलती है, उसके बाद ही वो ट्रेन रुकती है। सो जो ISF कोच होता है उसी में एयर ब्रेक सिस्टम होता है। बट LBH कोच सिस्टम में अगर आप चेन पुलिंग करते हैं तो ऐसी आवाज़ आपको नहीं आएगी। उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का सस्पेंशन लगा होता है LBH कोच में, एंड एक डिस्क ब्रेक होता है जो प्योरली हाइड्रोलिक होता है। ये डिस्क ब्रेक कुछ ही सेकंड्स में प्रेशर लगा के हमारे LBH कोच को रोक सकता है। और एक डिफरेंस और मैं आपको बताता हूँ कि ISF कोच में आपको एक फायदा होता है, जो कि उनके कोचेस के अंदर खुद का जनरेटर होता है। हर एक कोच के अंदर अपना खुद का डायनामो होता है, बट जो हमारा LBH कोच है इसमें खुद का डायनामो नहीं होता है। हमारे LBH कोच को बिजली देनी पड़ती है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जो फैन एंड लाइट्स चलानी है कोच के अंदर,
उसके लिए हमको एक एसी जनरेटर कार देना पड़ता है अलग से। ये जनरेटर कार सभी कोचेस को इलेक्ट्रिफाई करता है, बट जो हमारा ICF कोच है उसमें हमारे कोच में ही बिजली बनती है। सो किसी भी चीज का अगर कोई मेरिट है तो कोई डिमेरिट भी होगा। सो इसी तरह ICF कोच का एक मेरिट है कि उसमें बिजली अलग से नहीं बना के देनी पड़ती, बट LBH कोच में ऐसा करना पड़ता है। सो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं ICF कोच को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में। चलिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोचेस बनाए हैं इंडियन रेलवे के लिए, एंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस तरीके के नए कोचेस पे काम कर रही है, इन सभी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था पेरम्बूर चेन्नई में, एंड ये स्विस टेक्नोलॉजी बेस्ड कोचेस बनाती थी, एंड इन कोचेस का नाम ICF कोचेस रखा गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ही नाम पर। सेकेंड पॉइंट हमारी, ICF ने इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन 18 के नाम से लॉन्च हुई थी 2018 में, इसके कोचेस को डिजाइन किया है। थर्ड पॉइंट है हमारी, ICF ने पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस एंड डेक्कन ओडिसी, इन तीनों लग्जरी ट्रेन्स के कोचेस को डिजाइन किया है। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान टूरिज्म के द्वारा चलाई जाती है, एंड महाराजा एक्सप्रेस IRCTC चलाता है, एंड डेक्कन ओडिसी ट्रेन महाराष्ट्र टूरिज्म के द्वारा चलाई जाती है। इन सभी के जो लग्जूरियस कोचेस हैं वो ICF ने ही डिजाइन किए हैं, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है, ICF इस वक्त सैलून कोचेस को भी डिजाइन कर रहा है इंडियन रेलवे के लग्जूरियस ट्रेन बनाने के लिए। सैलून कोचेस पहले भी ICF डिजाइन करता था, बट 2018 से इंडियन रेलवे ने इन सैलून कोचेस को कमर्शियली यूज करने के लिए एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे इंडिया की 10 लग्जरी ट्रेन बनाई जाएंगी। लगभग 200 लग्जरी कोचेस को यूज किया जाएगा। ये सैलून कोचेस जो है वो बहुत ही लग्जूरियस होते हैं, एंड पहले ये कोचेस हमारे टॉप रेलवे ऑफिसर्स के द्वारा यूज किए जाते थे। किसी भी रिमोट एरिया में जब वो लोग वर्क करते थे तो उन लोगों को सैलून कोचेस दिए जाते थे, ताकि उनको रहने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये कोचेस कोई भी बुक कर सकता है, इंडियन रेलवे ने इसके लिए अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड विस्टाडोम कोचेस के बारे में। ICF इस वक्त इन कोचेस को बना रहा है, ये सभी कोचेस LBH कोचेस हैं। सो ICF इस वक्त LBH कोचेस पे भी काम कर रहा है, एंड फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है LBH कोचेस का वो विस्टाडोम कोचेस का है। ICF को ये कोचेस बनाने का जो प्रोजेक्ट है इसीलिए मिला है क्योंकि ICF पहले भी कई लग्जरी ट्रेन्स को बना चुका है, एंड जो विस्टाडोम कोचेस है ये भी एक लग्जूरियस कोच ही है। इन सभी कोचेस को टूरिस्ट रूट जो हमारे इंडिया के वहाँ पे यूज किया जाएगा, जैसे कि हमारे कश्मीर वैली का रूट है, या कालका शिमला है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, इन सभी जगह पे मौसम बहुत अच्छा होता है। सो जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो जो हमारे ऊपर साइड के तरफ से जो हमारा व्यू होगा, जो हमारा टॉप व्यू होगा, उसको भी देख सकते हैं। इन कोचेस में ऊपर की साइड ग्लास लगा हुआ होता है, इसलिए जो हमारा टॉप व्यू है उसको भी कोई भी पैसेंजर अपने ट्रैवल के थ्रू एंजॉय कर सकता है। सो विस्टाडोम कोचेस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, एंड ICF इंडिया के सबसे ज्यादा लग्जूरियस कोचेस भी बनाता है, इस बात को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर और समझते हैं रेल कोच फैक्ट्री के बारे में। रेल कोच फैक्ट्री में हम लोग बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एंड रेल कोच फैक्ट्री किस ट्रेन के लिए किस तरीके के कोचेस को बनाती है, एंड रेल कोच फैक्ट्री ने आज तक कितने कोचेस बनाए हैं इसके रिकॉर्ड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारी, RCF का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में कपूरथला पंजाब में किया गया था, एंड ये कंपनी इंडिया में LBH कोचेस को लेके आई है। ये कंपनी ये सबसे पहली कंपनी है जो इंडिया में LBH कोचेस को बनाना स्टार्ट की थी। जैसे ICF हमारी सबसे पहली कंपनी जो ICF कोचेस को बनाती थी, उसी तरह रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला हमारे LBH कोचेस को बनाने वाली सबसे पहली कंपनी है। सेकेंड पॉइंट हमारी, RCF ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन, एंड इंडिया में जो नई ट्रेन आ रही हैं डबल डेकर ट्रेन,
इन सभी के कोचेस को आरसीएफ ही बना रहा है। आरसीएफ तेजस के उन्हीं कोचेस को बनाता है जो गवर्नमेंट है। तेजस एक्सप्रेस टोटल 4 है, 2 आईआरसीटीसी चलाता है एज अ प्राइवेट प्लेयर एंड 2 इंडियन रेलवे चलाती है। सो जो इंडियन रेलवे चलाती है उन्हीं के कोचेस को आरसीएफ बनाता है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, आरसीएफ इंडियन रेलवे के पार्सल वैन एंड पोस्ट ऑफिस वैन्स को बनाता है। पार्सल एंड पोस्ट ऑफिस वैन आप सभी लोग जानते होंगे, पार्सल एंड पोस्ट के जो लेटर्स होते हैं उनको लेके जाते हैं। जो हमारी फोर्थ पॉइंट है वो है, इंडियन रेलवे में जितने भी अभी तक कोचेस बने हैं उनके 50% कोचेस को आरसीएफ ने ही बनाया है। आरसीएफ ने अब तक 30,000 कोचेस बनाया है जो इंडियन रेलवे का लगभग 50% है। सो आरसीएफ का इन्वॉल्वमेंट जो इंडियन रेलवे में है बहुत ही ज़्यादा है एंड आरसीएफ सबसे बड़ी एलबीएच कोच बनाने की फैक्ट्री है इंडियन रेलवे की, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सो आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और समझते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री के बारे में। चलिए तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कोच फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में प्लस मॉडर्न कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे अनुभूति कोचेस के बारे में एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री इस वक्त जिन एल्युमिनियम कोचेस पे काम कर रही है उसके बारे में। तो चलिए सभी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारी, मॉडर्न कोच फैक्ट्री को 2006 में बनाया गया था रायबरेली यूपी में। ये अनदर एलबीएच कोच फैक्ट्री है इंडिया की, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बाद मॉडर्न कोच फैक्ट्री सेकेंड नंबर की एलबीएच कोच फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का जो पहले नाम था वो था रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, बट बाद में इसका नाम मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया गया। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट हमारी, इरकॉन इंटरनेशनल ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री को बनाया था 2006 में। इरकॉन इंटरनेशनल इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है। सब्सिडरीज के बारे में मैंने सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में बताया है, सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। थर्ड पॉइंट है अनुभूति कोचेस, जो हमारे शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स में लग रहे हैं इनको मॉडर्न कोच फैक्ट्री ही बना रहा है। अनुभूति कोचेस काफ़ी लग्जूरियस कोचेस हैं जो शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन के सफ़र को और भी इंटरेस्टिंग कर देंगे। सो अनुभूति कोचेस को कौन बना रहा है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री एंड 2013 से इनका बनना स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ पॉइंट हमारी, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब एक नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, एल्युमिनियम कोचेस पर। ये एल्युमिनियम कोचेस जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर आराम से चल सकते हैं एंड इनका सस्पेंशन एंड ब्रेक्स सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अभी तक एलबीएच कोचेस ही सबसे मॉडर्न कोचेस माने जाते हैं, बट मॉडर्न कोच फैक्ट्री अभी नए कोचेस को बना रही है जो कि एल्युमिनियम कोचेस हैं, वो सबसे ज़्यादा स्पीड पे इंडियन रेलवे के ट्रेन्स को लेके जा सकते हैं। सो मॉडर्न कोच फैक्ट्री ही सबसे नए टेक्नोलॉजी के कोचेस को इंडिया में लाएगी। आई होप मॉडर्न कोच फैक्ट्री से रिलेटेड सारी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और जानते हैं इंडियन रेलवे के कुछ व्हील प्लांट्स के बारे में जो ट्रेन्स के चक्के को बनाती है। चले तो जानते हैं इंडिया के दो व्हील प्लांट्स के बारे में जो इंडियन रेलवे के चक्कों को बनाती है। सो पहला व्हील प्लांट हमारा रेल व्हील फैक्ट्री एंड सेकेंड हमारा रेल व्हील प्लांट। रेल व्हील फैक्ट्री हमारी बेंगलोर में है एंड ये इंडियन रेलवे के सभी लोकोमोटिव सभी कोचेस के व्हील सेट्स को बनाती है। ये व्हील सेट क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा एक व्हील है एंड उसके अंदर हम एक्सल्स डालते हैं, सो उसके साथ रिंग एंड सस्पेंशन का सिस्टम डाला जाता है। सो जो सस्पेंशन सिस्टम के साथ हमारा सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हील सेट। जब दो व्हील सेट को अटैच कर दिया जाता है सो एक बोगी बन जाती है। सो व्हील सेट एंड बोगी इन सभी को बनाने का काम रेल व्हील फैक्ट्री ये लहंका बेंगलोर करता है। इस फैक्ट्री से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रेल व्हील फैक्ट्री जो है ये लहंका की, ये इंडियन रेलवे में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका स्टील अब बच गया है, जो स्क्रैप स्टील है, उनका यूज करके ही इंडियन रेलवे के पहियों को बनाती है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट हमारी रेल व्हील प्लांट के बारे में, रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में है एंड 2008 में लालू प्रसाद यादव जी ने इसको बनाया था। लालू प्रसाद यादव जी ने
नॉर्थ बिहार के डेवलपमेंट के पर्पज से, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से रेल व्हील प्लांट को बनाया है। इंडियन रेलवे के जो वैगन्स हैं उन सभी के व्हील्स को, सारे वैगन्स के व्हील्स को 2008 से रेल व्हील प्लांट बना रहा है एंड रेल व्हील फैक्ट्री अब वैगन्स के व्हील सेट को नहीं बनाती है। सो आई होप रेल व्हील फैक्ट्री एंड रेल व्हील प्लांट, इन दोनों की जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गई होंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स एंड टेलीग्राम चैनल पर डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।